वचन वचन को भेजा मैं काली बदर बदर कर जा ऐसा वचन वचन दे। हां जी भाई हुण मैनू दसो भी ए वीडियो देख के की विचार है तुहाडी सारी संगत दा। ए बंदा कहंदा भी इहदे च सिस्टम काली मां आई हुई है। जिद्दां काली मां तां वेली तुरी फिरदी, काली मां नूं तां काम ही है नहीं कोई, है ना। जो ये सद लैंदा काली माता जी आ जांदे, जदों ऐ करके ठंडा हो जांदा काली माता जी चली जांदे। क्या बात है, क्या बात है। असी इंसान इन्ने पवित्र, साडी देह साडी रूह इन्नी पवित्र कि रब आसमान तो उतर के साडे अंदर प्रवेश करके फिर लोकां नाल गल करनगे। मतलब एक माता काली नूं एक अपने भगतां नाल गल करन वास्ते मनुष्य का शरीर चाहिए, उन्होंने आना है फिर अपने भगतान का दुस दुख सुनना है। उदा नहीं सुनना उन्होंने, ठीक है। उदा तुसी किन्नी तपस्या करी चलो, धूप बत्तियां करी चलो, कोई कह देंगे साढ़े च शेरां वाली माँ आ गई। शेरां वाली माँ कहें भी मैनू हूँ भाई मेरे को शक्तियां मुक गई, मैनू किसी बंदे का जिसम चाहिए, वो आऊँगी तो लोगों की मैं कहानी सुनूंगी। और मर जाओ डुब के, धर्म के नाम का व्यापार करने वाले हो मर जाओ, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। कभी किसी में काली आ गई, दुर्गा आ गई, चंडी आ गई, शेरा वाली माँ आ गई, तुमने मतलब तमाशा बना के रख रखा है। और तमाशा भी देखो क्या खूब बनाया है, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, मेरा दिल करता है कि वो घोड़े वाला हंटर होता है ना, उससे धुलाई करूं इनकी मैं। भगवान को छोड़ के आप ऐसे शैतानों के पास आते हो। अभी सब एक एक चप्पल निकाल लो और इसके सिर पे दे मारो, इसकी सारी माता माता सब भाग जाएंगी, ये नॉर्मल रूप में आ जाएगा। तो ये लोगों ने ना बिजनेस किया हुआ है, जो बोलते हैं मुझ में काली आ गई, दुर्गा आ गई, मुझ में चंडी माँ आ गई। सो पहले बात तो ये लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, टोटली अनएजुकेटेड पीपल, और वो जो वहां बैठे हैं वो भी सारे ऐसे ही होते हैं। तो इसका मतलब भगवान से तो आपका विश्वास ही उठ गया है ना, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने हमें तुम्हें हम सबको बनाया, उस पे आपका भरोसा उठ गया। और ये जो तत्व 9 महीने किसी माँ के कोख में रह के जन्म लिया इस धरती पर, उस भगवान ने जन्म दिया, आज ये आप सबके लिए गॉड हो गया। ऐसे महामूर्ख लोगों के पीछे लग के आप अपनी तो जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों की भी करते हैं। क्योंकि ऐसे जो ढोंगी बाबे होते हैं ना, बाद में जब वहां पे वो सास जाती है बहू और बेटे को कंट्रोल में करने के लिए, फिर बहू अकेली जाती है सास को या पति को कंट्रोल में करने के लिए, ऐसे बंदे ऐसी औरतों का फिर शोषण करते हैं। उसको बोलते हैं तू रात को आ जाना मेरे पास वहां पे, तो तुझसे मेरे से संबंध बनाने पड़ेंगे और उसके बाद तुम्हारा ये काम हो जाएगा। बेचारी भोली भली बीबियां सोचती हैं चलो इसके साथ सो जाते हैं शायद पति कंट्रोल में हो जाएगा। सास सोचती है चलो शायद मेरा बेटा कंट्रोल में हो जाएगा। अरे बेवकूफ औरतों, ऐसे ढोंगी बाबे सिर्फ औरतों का शोषण करते हैं। फिर ऐसे लोग बोल देते हैं फलाने 5 साल का बच्चा पकड़ के ले आओ बलि देनी है। और आप लोग ऐसे केस हुए हैं भारत में कि जहां पे बच्चों को शिकार बनाया गया, खुद उनकी सकी माँ ने बनाया, उनको किसने उत्साया, उनको गलत रास्ते पे कौन लेके गया, ऐसे ढोंगी बंदे। एक और राधे माँ है ना, सुना होगा नाम, वहां पे वो हमारे कुछ सिख लोग भी गए थे, वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उन्होंने श्री साहब डाला हुआ है, पगड़ी बांधी और उसके साथ ऐसे नाच रहे हैं। मैं ऐसे जाली डुप्लीकेट सिखों का पुरजोर विरोध करती हूँ, फिर बोलते हैं मैं सिखों के खिलाफ बोलती हूँ। अरे आप अपने ग्रंथ में विश्वास नहीं रखते हैं जो आप ऐसे ढोंगी माताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो राधे माँ सुर्खी लगा लेती है, लाल रंग की कपड़ा डाल लिया, ज्वेलरी डाल रही है, क्या राधे माँ है, कौन सी माँ थी उसमें बताओ मुझे, वो क्या धंधा क्या व्यापार करती है आप सबको पता है, उसके बावजूद भी आप आंखें बंद करके चले जाते हैं। और सिरसे वाला राम रहीम, सबको पता है वो रेपियस्ट है भाई, साबित भी हुआ उसके वहां से, वो इतने कंकाल मेरे लड़कियों के, कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट भी थी, सबको पता है कि वो औरतों का कितना पुरजोर शोषण करता है। 8वीं बार बेल पे बाहर आया, नजारे ले रहा है, अब सरकार पता नहीं है उसको कैसे खुला छोड़ देती है सांड को। और मैंने पहले भी इस मुद्दे पे एक वीडियो डाली थी कि ये जो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर बन के घूम रहे हैं ना, हम गैंगस्टर हैं जी, गैंगस्टर हैं, सिद्धू को मैं बोलती हूँ ठोक दिया तुम लोगों ने, उसने शोषण नहीं किया था किसी की बेटी का, बहन का,
ऐसों को क्यों नहीं ठोकते हो यार? कहाँ आप लोगों की गैंगस्टरी चली जाती है सब? मासूम लोगों को अगर आपको कोई बोलता है 5 लाख देते हैं जी उसको मार दो, 50,000 पाउंड देते हैं जी इसकी फोटो देखो उसको मार दो, अरे कैसा जमीर बिक जाता है आप लोगों का? मारने से पहले सोचा कीजिए कि वो भी किसी के बच्चे हैं, ना जाने उनके घर के हालात कैसे होंगे, कैसे वो बच्चे अपना घर चला रहे हैं, अपने माँ बाप को फीड कर रहे हैं, आप जाते हैं गोली मार आते हैं, आपको तो 50 मिल गया ना जेब में, कितनी बद्दुआ मिलती हैं साथ में, वो 50,000 हो या 50 लाख हो, बड़े गंदे तरीके से निकलता है। मारना है अगर इस जहान से पापियों का उद्धार, उनका सर्वनाश करना है ना, तो ये सरसे वाले बाबे का कीजिए, कोई अच्छे वाला ट्रीटमेंट, दुनिया भी आपको सलूट करेगी। अभी ये खालिस्तानी बोल देते हैं कि ये हमारा ये बंदा मर गया, हमारा ये बंदा मर गया, ये शहीद हो गया, हम बोलते हैं मर गया, ये बोलते हैं हमारा ये बंदा शहीद हो गया। अब मैं खालिस्तानियों को बोलूं कि अगर तुम वाक्य में शहीदी शब्द का मतलब तो तुम लोगों को पता ही नहीं है क्या है, तुम्हारा तो जो भी चलता है ये शहीद ही हो गया, शहीद जाके राम रहीम के ठोको पिछवाड़े में उसकी गोली, और जो बंदा ये काम करेगा और शहीद हो भी गया हम दिल से सलूट करेंगे, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि वाकया बंदे ने भाई बड़ा नेक काम किया, वो इनसे ठोका नहीं जाता है। बातें ये लोग करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। सो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे भारत से, पंजाब से नहीं पूरे भारत से, जितने भी भारत में ऐसे जाले ढोंगी बाबा हैं जो बोलते हैं पुछे आती हैं, चौंकियाँ आती हैं साढ़े च, माता की, अरे यार चप्पल उतार लो इनकी, दे धनादन दुलाई करो, सारे इनकी माताएं दौड़ जाएंगी। माताएं वेली बैठी हैं क्या हराम जादो? जिस माँ के कोख में 9 महीने में तुम लोग रहे उसको तो सत्कार नहीं किया, उसका तो अपमान करते हो, मारते हो, पीटते हो, औरतों की इज्जत नहीं करते हो, और बाद में उसी औरत को तुम बुलाते हो जो देवी का रूप हो, माँ शेरा वाली, माँ चिंतपूर्णी, माता काली, चंडी, दुर्गा, वो फिर तुम में आ जाएंगी है ना, वो माँ वो तो साक्षात भगवान है, उनको नहीं पता तुम कितने दुष्ट मानव हो, कितने गंदे काम कर रहे हो, भोली वाली जनता को अपने पीछे लगा के तुम उनको गलत रास्ते लेके जा रहे हो, माता तुम जैसों में आएगी, उल्लू के पट्टे ना हुए था। पंजाब दे विच भी बड़े बैठे होंगे है मियाँ बंगाली जी, मियाँ सुलेमानी जी, वो बस स्टैंड के उपर लगे होंगे, और पेंडू साडिया बीबिया झोले लैके तो उत्थे बड़िया होंगे बस स्टैंड दे विच, सुधर जो यार सुधर जो। मैंने आगे भी बोला था पंजाब में जितने भी ढोंगी बाबे हैं ऐसे चौंके वोंके वाले 76 फेरो फड़ के उन्होंने, सरसे वाले का डेरा देखो किड्डा, जो विरोध किया होता ना जनता ने स्टार्टिंग में तो आज ये दिन ना होता। तो बस ऐसे आने वाले समय में और नए बाबे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग हो ना जो पैदा करते हो, ये बाबे ऐसे थोड़े बनते हैं, आप लोग बनाते हो, आप उनको शह देते हो, सिर नमस्तक करते हो, आप लोग बनाते हो, और बाद में कहते हो हाय बाबे ने फलानी दी कुड़ी नाल कर लिया, किवें कर लिया यार, तुसी करवाया है, तुसी आप शह दित्ती है उन्हां नूं, सुधर जो और समझो जिहड़े जिहड़े धर्म नूं तुसी मानदे हो, जिहड़े जिहड़े गॉड नूं, बस उहदे विच ही आस्था रखो, इंसानां दे विच कदी भगवान नहीं आउंदे आ, उह पुछा नहीं दिंदे आ, और जिन्हां च भगवान आंदा वी होएगा ना किसे इंसान च, उह रब दा इक सच्चा बंदा होएगा, वो सही मार्ग पे चलता होगा, लोगों को सही गाइड करेगा, चाहे जुबान का कौड़ा हो पर वो जिंदगी में गलत काम नहीं करता होगा, उसमें होता है भगवान, पर वो आपको उसमें भगवान दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको तो भगवान उसमें दिखता है जो सिर हिलाता है, ऐसे ऐसे ढोंग करता है, आंखें ऊपर चढ़ा लेता है, जीभ बाहर निकाल लेता है, हाँ वो आपको भगवान लगता है। दुर फट्टे मुंह, सुधर जो सुधर जो।